हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अनमोल ब्लॉग्स में। तो आज हम लोग आ चुके हैं नैनीताल की यात्रा पे। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे। देख सकते हैं ट्रेन ये है, हमको लेके आई है लखनऊ से और हम काठगोदाम आ चुके हैं। तो इसके आगे हम लोग शेयरिंग टैक्सी या फिर बस से पहुँचेंगे नैनीताल और वहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग भवाली पहुँचेंगे। वहाँ पर हम लोग होटल में रुकेंगे, वहाँ से हम लोग फ्रेश होके तब निकलेंगे नैनीताल के लिए और नैनी लेक में नौका विहार करेंगे। तो दोस्तों आज बने रहिएगा लास्ट तक और आपको नैनीताल का एकदम मनोरम और सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ फोटो भी है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? एकदम फैंटास्टिक महसूस हो रहा है। तो चलते हैं भवाली की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग अब स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेपरेट टैक्सी वगैरह लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग में भी टैक्सी लगे हुए हैं। आप लोग शेयरिंग में भी जा सकते हैं, सेपरेट भी जा सकते हैं। शेयरिंग का एक लोग का किराया लगभग 150 से 200 के बीच में रहता है, जैसा मतलब सीजन रहे। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से बसें भी जाती हैं, बस भी जाती है जिसका किराया लगभग 100 रुपये के करीब रहता है। तो दोस्तों हम और छोटू दोनों लोग अब बुक कर लिए हैं और हम दोनों साथ में जा रहे हैं ये वाली गाड़ी से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो देख सकते हैं दोस्तों इस वक्त हम लोग नैनीताल में हैं, सो रहे हैं, अभी सो के उठे हैं। अब आपको दिखाते हैं वो नज़ारे जो आपने अभी देखे नहीं होंगे। ज़बरदस्त व्यू है हम लोग का बालकनी से, अभी आपको दिखाते हैं। पहले आपको रूम दिखा देते हैं, देख सकते हैं कितना बेहतरीन रूम है। देखिए छोटू सो रहा है यहाँ पे, इधर लॉकर, बाथरूम, ये एंट्री गेट है, टीवी। बहुत ही अच्छा रूम है होटल ग्रह साफ सिवा में हम लोग ठहरे हुए हैं। आपको नज़ारे दिखाते हैं, ये देखिए नज़ारा हमारी बालकनी से। चलिए बालकनी खोलते हैं तब चलते हैं बाहर। ये देखिए नज़ारे, नज़ारे देखिए, सुकून है इन पहाड़ों में। आप लोग देख सकते हैं पहाड़, देखें आपको जहाँ तक नज़र जाएगा पहाड़ देख सकते हैं। और आपको भीमताल दिखाता हूँ अभी, ये देखिए भीमताल, यहाँ से हमारी बालकनी से ही दिख रहा है, भीमताल है ये भीमताल आप देख रहे हैं। अभी वहाँ पे नाव भी है, बोटिंग भी होती है उसमें। तो नैनीताल में आपको भीमताल, नैनी लेक, तल्लीताल, मल्लीताल सब कुछ यहीं पे मिलेगा। और फिर से आपको दिखाते हैं नज़ारे, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं और बहुत ही सुकून है इन पहाड़ों में। तो गाइस नैनीताल के अलग अलग स्थानों पे घूम के मैं आपको दिखाऊंगा, आगे के ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो बाबा नीम करोली।